हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और बहुत से मेरे को कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, मेरा नाम पूछते हैं, तो मेरा नाम है रूपल। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, इस पे तो रिएक्शन देना बनता ही है। हमने बहुत सारी ठग लाइफ पे वीडियो बनाया, लेकिन इस पे बनता है फ्रेंड्स। ये है नरेंद्र मोदी ठग लाइफ फ्रेंड्स। तो आइए सुन लेते हैं। मेरे को तो सुनने से पहले ही हंसी आती है फ्रेंड, मेरे को बहुत हंसी आती है। तो आगे हमने जितने वीडियो, 3-4 वीडियो बनाए हैं, वो सब हमने हिस्ट्री पे रिएक्शन दिया है। तो हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी सीरियस होती है, तो सीरियस वे में जाना पड़ता है। और अभी हम थोड़े फनी वे में आएंगे फ्रेंड्स। तो आइए सुन लेते हैं मोदी जी की ठग लाइफ, एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। Dr. Kabir Raj Dev Singh. He is one of the best students ever graduated from Delhi Institute of Medical Science with an impeccable academic record. May I come in, sir? तो आ गए आप? हाँ। तो यार आज की वीडियो श्री नरेंद्र मोदी जी ठग लाइफ। हाँ मोदी जी, वाह। यार हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट बॉक्स भर दो। मगर क्यों? क्या जब भी मैं एक बढ़िया कमेंट पढ़ता हूँ तो यार मेरे को मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। हाँ मुझे भी, कोई कमेंट ही नहीं करता। यार प्लीज प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख। तो यार अपने टाइम विश करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सबको नमस्कार, जय माता। कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौर्य की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? तो क्या मैं यहाँ भजन मंडली चलाने आया हूँ क्या? आपने बताया कि गुजरात में टैक्स की उगाही के लिए आपने एक नायाब रास्ता निकाला कि डमरू बजा देंगे। हमें लगता है यहाँ इतने लोग बैठे हैं जिस आस में, आज आपको बताना चाहिए डमरू ये लोग बजा देंगे। आपको दिल्ली आने से बीजेपी के भीतर कौन रोक रहा है? मैं सोच में नहीं पड़ रहा, सवाल पूरा हो गया? नहीं मतलब हम लोग सवाल करते हैं तो शेर वाला भाई, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, देखो तो अगर किसी ने रोका होता तो कैसे बैठता? पर पहले जितने भी पाकिस्तानी बम फोड़ देते थे इंडिया में कभी भी, तो उनको अब मैं बताना चाहता हूँ लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते थे। तो ये मोदी है, तो चलो यार आगे बढ़ने से पहले आपको एक बढ़िया सा मीम दिखा दो, कमेंट में बताना कैसा लगा। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। द नेक्स्ट डे को भगा भगा के मारेंगे। म्यूजिक ताली बजाया था, अरे भाग रहे थे। तो ठीक है आगे बढ़ने चले जाना। श्री जी ने ड्राइवर से कहा आज कार मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा सर मैं उतर जाऊंगा क्योंकि ये कार है सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। पैसे आ जाए तो सोच सर पे चढ़ती है, लड़कियां भी मरती है, समाज की मेरी गलती है, लुक्स में सबसे हार्ड नहीं पूरे शहर में। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा कर सकते हैं।
ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूँ जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और ओबामा ओबामा पाकिस्तान जाओ ना, क्या तरीका होता? पाकिस्तान जाओ ना, पाकिस्तान गए थे। वही तो मैं आपसे समझने की, वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के लिए डिजास्ट्रस होगा। शायद उनकी खुद की पार्टी ने फिर बाद में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैं समझता उसके बाद उन्होंने बोलना बंद किया। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। उनको था इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना, या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला है पकड़ा जाता है। क्या कुछ कुछ दाम में काला है, हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है नहीं नहीं मोदी जी ने अच्छा किया अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। बंदे जंजीरों में दिल तो कब तक हो गया, बस दर्द भरा है सीने में, क्या लायक था वो चीज जो डरता है वो जीने से, सबको है मरना भरना, एक दूसरे को ही चीज देते इंसानियत। बचपन के बारे में जब पढ़ रहा था तो ये पता चला कि बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का, और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। जिंदगी में डर करके नहीं रहना चाहिए, जिसको हम मानते हैं उसको लेकर के चलना चाहिए, और मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। तो यार दिस वाज इट भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। और हाँ वीडियो देख, हाँ फ्रेंड्स, तो ये थी तो बेसिकली नहीं थी तो सॉरी ये मोदी जी की ठग लहबा, लेकिन मोदी जी की इसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी बेस्ट स्पीच 2020, लेकिन इसमें जो था ना फ्रेंड्स वो काफ़ी सारे जो नरेंद्र मोदी जी के वो भी बयान थे जो पहले के थे जब वो गुजरात के सीएम थे, क्योंकि उस टाइम मैं भी गुजरात में ही थी तो हम सुनते थे ये सब बयान न्यूज़ वगैरह में सुनते थे, गुजराती न्यूज़ में सुनते थे, तो ये भी सब बयान है। और जो मोदी जी ने एक बात कही, वैसे तो बहुत बातें कही, एक बात कही कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, तो वो बात सही है, मोदी जी ने दिया अभिनंदन उनका भी वीडियो सीन बताया। फिर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब जवाब थे जो उनकी भाषा में मोदी जी ने दिए पाकिस्तान को। और ये बहुत अच्छा लगा कि पहले के जो नेता थे जब पाकिस्तान कुछ करता था तब नेता अमेरिका जाके ओबामा ओबामा चिल्लाते थे, पाकिस्तान जाओ
जब पाकिस्तान ने कुछ किया है तो अमेरिका क्यों जाते हो भाई, पाकिस्तान जाओ। और मोदी जी ने पाकिस्तान भेज दिया, हमारे वीरों को भेजा, और जो मोदी जी की जो थिंकिंग थी वो सब वो ट्रू करके आ गए इधर, तो वो सब हम जानते हैं। दूसरी बात, मोदी जी ने भ्रष्टाचार का बोला, और ये ठग लाइफ तो है लेकिन थोड़ी डीपली थिंकिंग वाली ठग लाइफ है, और लॉजिकल भी थी इसमें, लॉजिक बहुत लगभग लगभग जो बयान थे वो कॉमेडी के साथ साथ लॉजिक वाले भी थे। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसी ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।